इस हफ्ते बिग बॉस के घर से कौन होने वाला है एविक्ट, क्या कहते हैं वोटिंग ट्रेंड्स। तो वोटिंग ट्रेंड्स का अगर क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स जो आए थे उसके हिसाब से हम जाए तो सबसे पहले 6 लोग जो है नॉमिनेटेड है, रुबीना, अभिनव, राहुल वैद्य, पवित्रा, एजाज और जैस्मिन। अब यहाँ पर ये सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो वाकई में लोगों को पसंद आ रहे हैं, एक दो को छोड़ के, और वो भी इसलिए क्योंकि ऐसा बार बार फील हो रहा है कि क्या इनके फुटेजेस जानबूझकर काटे जा रहे हैं। जब वोटिंग लाइन खुली उस समय जो है लोगों ने अभिनव को बचाने के लिए वोट किया, रुबीना के फैंस ने, जिसकी वजह से रुबीना नंबर 2 पर थी और जैस्मिन ऊपर थी। लेकिन बाद में तुरंत सभी को रियलाइज़ हुआ अगर ये किया तो रुबीना ऐसा ना हो कि निकल जाए, तो लोग जो है सचेत हुए रुबीना के फैंस और उन्होंने रुबीना को वोट करना शुरू किया, जिसकी वजह से बॉटम 2 में आ गए अभिनव, नहीं तो वो पहले जो है टॉप 4 में थे क्योंकि रुबीना के कुछ फैंस भी उन्हें वोट कर रहे थे। अब जो वोटिंग ट्रेंड्स, जो लाइन बंद हुई है उसके हिसाब से टॉप पर रुबीना ही बनी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉटम 2 में होता है उसके सर पर तलवार होती है। यहाँ पर राहुल वैद्य के फुटेजेस पिछले कुछ दिनों से काटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि वूट के हैंडल पर जो अगर मैं कहूँ तो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें भी राहुल वैद्य के फैंस ने ये कहा था कि राहुल के नाम सबसे ज़्यादा होते हुए भी कि कौन है घर का बॉस, उसके नाम को एडिट कर दिया मेकर्स ने, तो ऐसा जो है उन्होंने एक शोरील बना के पूरा का पूरा इस बात का दावा किया था। और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि राहुल के जो सीन्स हैं वो काटे जा रहे हैं, और मुझे भी ये लगता है कि राहुल जिस तरह का कॉन्टेस्टेंट है, जिस तरह का वो गेम खेलता है, उसकी प्रेजेंस शो में ना दिखे ये बात जो है मानी नहीं जा सकती है। तो खैर, रुबीना नंबर 1 पर है, जैस्मिन नंबर 2 पर, ये दोनों सेफ है, और ये दोनों के बीच में जो गेम चल रहा है वो वाकई में लोगों को एंटरटेन कर रहा है। उनकी दोस्ती से ज़्यादा ये जो उनकी दुश्मनी है ना, वो दोनों को ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग दिखा रही है और गेम को एंटरटेन कर रही है। राहुल वैद्य नंबर 3 पर है, हालांकि राहुल के सीन्स काटे जा रहे हैं, और 4th नंबर पर अली गोनी है जो हाल ही में गए, लेकिन अली के जाने के बाद जो है सीन बहुत कुछ पलटा है, और एक कविता के जाने के बाद, तो अगर अली गोनी वाइल्ड कंटेस्टेंट होते हुए भी स्ट्रांग दिख रही हैं। पवित्रा और अभिनव अब इन दोनों में से है, अब ऐसे में पवित्रा मैडम बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, लेकिन अभिनव ने इस हफ्ते जो है जो गेम खेला है, जिस तरीके से उसकी प्रेजेंस रही है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यहाँ तक कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि रुबीना और अभिनव को अलग अलग सीजन में होना चाहिए था, तो इस तरीके से बॉटम में पवित्रा है और 2% सिर्फ वोट मिले हैं उनको, तो ऐसे में ये देखना होगा कि पवित्रा जो है इस घर से इस हफ्ते बेघर होती है या नहीं होती, कल जो है पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा। लेकिन कुछ सोर्सेज से खबर ये भी आ रही है कि इस हफ्ते एविक्शन नहीं होने वाला है, और क्यों एविक्शन नहीं होने वाला है उसको लेकर भी मैं आपको जो है एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने वाली हूँ, तो आप बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।